गाइस गॉड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप लोग सब, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो मैंने कपड़े वगैरह एकदम सिंपल पहने क्योंकि ऊपर का जो रूम है आपने देखा रहेगा, कैरम वगैरह खेले हम मेरे दोस्त लोग सब कल पिछले व्लॉग में, तो वो रूम फाइनली मैं लेने वाला हूँ। जो इधर के रूम है वो भूमि को ही, मतलब सिर्फ मैं उधर शाम के वक्त, नहीं तो पूरे दिन नहीं क्या उधर ही रहूँगा ऊपर, और जो बाकी का सोने को वगैरह है वो इधर नीचे आऊँगा, खाने का वगैरह खाने रहेगा तो इधर, कभी कभी ऊपर। तो उधर पापा का सब मटेरियल्स है, मतलब अभी पापा कॉन्ट्रैक्टर है तो उसके वजह से सब जो पेंटिंग का, पेंटिंग के बॉक्सेस है, मतलब डब्बा है, और बाकी सब जो सीडी वगैरह है तर ते खाली आणणार आहे सगळं, खाली नाही तर बघू तिथं कुठंतरी ठेवू, शिफ्ट करू साईडला। पर तो मे लेने वाला वरून तो पूरा गंदा हो चुका है वो, तो दिखाता हूँ आपको कैसा हुआ है। तो ये पूरा ऐसा सामान गिरा हुआ है, इतना सब क्या बोलते हैं, गर्दी गर्दी हुई है। तो सब जो जो वेस्ट मटेरियल है जो पापा को नहीं लगने वाला है तो सब वो भंगार में दे देंगे, और बाकी सब पापा का ही मटेरियल है, सीढ़ी वगैरह, बाकी पेंटिंग के डब्बे वगैरह सब। तो ये सब निकालने वाले हैं अभी, एकदम पूरा साफ करेंगे, सिर्फ जो जो लगता है वो ही रखने वाले। तो चलो जल्दी करते साफ। आधा सामान तो बाहर आ चुका है और बाकी तो ले रहे पापा, इतने बड़ा सामान है सब, और बाकी का जो भी था सीढ़ी वगैरह सब बाहर निकला है। जो जो लोखंड के सामान है वही ज़्यादा करके निकला है क्योंकि देख सकते हैं अब बारिश भी चालू हो गई है, पूरा भीगा है, मोबाइल भी भीग रहा है मेरा, और इसके वजह से फिर जो जो लोक मतलब पत्र के सामान, कुछ लोखंड, कुछ ऐसा कुछ है तेज हमें बाहर काट ले, क्योंकि फिर ऐसा जो कैरम देखो, कैरम की हालत ही पूरा, जो जो लाइन वगैरह थी सब चली गई है, बहुत पुराना है। तो ऐसे लकड़ी के सामान कुछ कुछ ही निकल के रखा है बाहर, बाकी अंदर तो बहुत कुछ है। और ये भाई ये देखो, तो ये ताशा कुछ तो 8-9 साल कुछ तो पुराना है। ये बेड तो बेचने वाले हैं, और बाकी इसमें धूल वगैरह सब बैठा है तो सब साफ करेंगे मस्त उसको। बाकी ये जो सामान है डब्बा वगैरह सब बाहर लेंगे, स्क्रू वगैरह निकल रहा था, और बाकी इधर देखो क्या दिखी लिजार्ड, और बाकी उसमें का पूरा जो हड्डी वगैरह रहता है पूरा दिख रहा है, पूरा सब उसका स्किन वगैरह सब अच्छा लगा है, सिर्फ हड्डी ही बचा है। काम हो चुका है और अभी खाना खाने को आए, तो खाने में आज बना है मेथी की भाजी और भाकरी, तो खाते और फिर से जाने का है ऊपर, आधा काम तो नहीं पड़ गया, आधा रह गया। खाना वगैरह तो हो गया था और मैं अभी आया हूँ भूमि को देने के लिए, क्योंकि उसका क्लास का टाइम हो गया है, 4:10 बाकी है, और मेरी मौसी का घर इधर है ऊपर, तो इधर ही है भूमि भी, तो उसको लेते, और मेरे दूसरे गाड़ी का मतलब जो पैशन प्रो है मेरे पास उसका ज़रा पाइप का और ट्यूब का प्रॉब्लम हुआ है, तो गाड़ी में लेके आया, स्कूटी लेके आया था। तो चलो अभी मतलब भूमि को वगैरह लेके मौसी के इधर से फिर डायरेक्ट मैं घर पे गया था, और मानसी को भी छोड़ा उसके काम पे, और अभी मैं आया था पुष्कर के यहाँ पे, क्योंकि हमारा आज नाइट ड्राइविंग स्कूल है, मतलब मोटर स्कूल, तो उसके लिए जा रहे, अभी बजे 5:45, तो चलते गाइस और ड्राइविंग करते। संतो दादा के पास ही आया था, अभी इधर से हमें जाना है ड्राइविंग स्कूल को, फिर उधर से फिर से आने वाले संतो दादा के घर पे, तो चलो निकलते हैं। अभी गाड़ी वगैरह तो मैंने घर पे लगा दी थी, दोस्त आने वाला है उसके साथ जाने वाले, तो चल क्लास वगैरह करके, और तो संतो दादा आया, गाड़ी लाई मैंने दोस्त के पास से,
तो अभी ये रहा संतुदादा का घर, अभी हम जा रहे हैं चाफेकर चौक जो कि एल्प्रो को। भाई बोला चल मेरे पास पैसे, खाना खाते मतलब वड़ा पाव खाते, उधर का क्रिस्पी वड़ा पाव पसंद आया, उस दिन खाया था मैंने, तो वहाँ पर जा रहे। तो चलो चलते ऑन द वे। योगराज भाई भी मिलने वाला है तो वो भी दिखाते हैं आपको। मोरिया वड़ा वाले को आए थे और उधर सिटी समोसा है, तो चल। तो वहाँ पे बहुत लाइन थी लंबी, रुके भी थे, पहुँच भी गए थे, पर उसके पास पेमेंट का एक ही ऑप्शन था, ओनली कैश, नंबर पे नहीं, क्यूआर कोड नहीं। भाई इतना बड़ा दुकान उसने मतलब चल रहा है उसके, इतना अच्छा सिटी समोसा, और भाई के पास एक ही ऑप्शन है पेमेंट का, वो भी है सिर्फ कैश। और उधर कुछ खाए नहीं हमें, हमने सिर्फ उधर क्रिस्पी वड़ा वाला वड़ा पाव था वो खाना था, पर वो नहीं पाया। अभी इधर सादा वड़ा पाव खाया है। अभी डेयरी जा रहे, दूध डेयरी, उधर लस्सी भी पीना है हमें, वो भी देख रहे। योगराज भाई हमारे साथ है, स्वराज्य ढोल पतक, और ये धर्मेश चौक के रास्ते में, और धर्मेश चौक तो इधर आ गए थे हमें, और उधर मतलब स्वराज्य ढोल पतक है ना, उधर उनका ट्यून स्प्रेड हो जाएगा, इसके वजह से रिकॉर्डिंग कैमरा वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं था। तो बाद में बारिश भी चालू हो गई थी, फिर मैंने कैमरा निकाला ही नहीं रिकॉर्डिंग करने को, डायरेक्ट घर पे आ गया, और आ गया फिर खाना वगैरह खाया, फिर मस्त सो गया। तो इतना ही आज के दिन, इतना ही हुआ सिर्फ गाइस, शॉर्ट वीडियो था, कुछ ज़्यादा नहीं है। अभी मुझे फिर से टेंशन आ रहा है, अभी सबके कॉलेजेस स्टार्ट हो गए है, मेरे कैपराउन का तो बहुत देर है मुझे भी। अभी क्या करूँ, कंटेंट ही क्या ढूंढूँ, देखते तभी भी सोचते कुछ तो हल निकाल ही लेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइस, मिलते हैं पुढ़चा वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।